कितना डिस्काउंट दिया आपने? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज मैं जा रहा हूँ मार्केट, डीजल भरवाना है 3-4 ड्रम और डीलर को पैसे पकड़ाने हैं अपने सीमेंट के डीलर को। तो डीजल बोल रहे हैं महंगा हो जाएगा इलेक्शन के बाद, तो भरवा लेते हैं 3-4 ड्रम। डीजल महंगा होने वाला है, जल्दी जल्दी भरवा लो सारे। एक बैरल है ये, दूसरा ये, तीसरा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी जो बैरल के प्राइसेस हैं वो हाइक हो चुके हैं, मगर इंडिया में हमारी इलेक्शन की वजह से इन्होंने प्राइस रोक रखे हैं। बट आप देखना जैसे इलेक्शन ख़त्म होती है कैसे डीजल पेट्रोल के प्राइस हाइक करेंगे एकदम से। तो अभी मैं जा रहा हूँ बारगो वाली साइड से, मेन रोड पे बड़ा ज़्यादा जाम होता है, तो आजकल ये सभी लोग यही रोड प्रेफर करते हैं, ज़्यादा यही यूज़ कर रहे हैं जब से फ्लाईओवर का काम लगा है। ये है बारगवा कॉलेज और ये हम पहुंच गए सांबा के हाईवे पे। नीचे वाले पेट्रोल पंप से ही भरवा लेंगे क्योंकि जितना आगे जाओगे आगे काम चल रहा है फ्लाईओवर का, तो उधर इतना ही ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो आ गए हम पंप पे, मैं पंप पे आया था, देख लो कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है लोगों को पता चल गया कि प्राइस हाइक करने वाले हैं। 15 मिनट हो गए मेरे को इधर खड़े हुए, मगर ये बड़ी गाड़ियों वाले टैंक फुल करवा रहे हैं, इनमें आता ही बड़ा ज़्यादा है, 200-250 लीटर आता है। किन्ना टाइम लगेगा तीनों पर होंदे? हैं 10 मिनट पक्का? चलो टाइम हो रहा है 1:17 हो रहा है, देखते हैं कितने बजे भरेगा। आज के जो फ्यूल के प्राइस है देख लो 80.47 है, मगर आप खुद ही देख लेना 10 दिन बाद क्या प्राइस होने वाले हैं इसके। तो मैं बन गया हूँ पेट्रोल पंप वाला, देख लो मैं पेट्रोल डालता हूँ, तो आज की इनकी सैलरी मेरे नाम। एक ड्रम हमारे, एक ड्रम में आया है 15 लीटर, नहीं 215 15 लीटर बोला। थोड़ी आज की सैलरी मेरे नाम, ठीक है। बीच में लाइट चली गई थी, जो इन्होंने पर्ची निकाल दी है हमारी, अब फिर से शुरू कर रहे हैं। तो ये है कुछ अमाउंट, 50,601 रुपए का पहले डल चुका है। कितना डिस्काउंट दिया आपको? कोई डिस्काउंट नहीं। भरवा लिए तेल? ये भरवा लिए तेल, ठीक है। और भैया एल ई एफ एल ई एफ एफ स्पेस दो बी एल ओ जी बी एल ओ जी चलो ठीक है फिर। तो डीजल मैंने भरवा लिया है और बंदे से मैंने सब्सक्राइब भी करवा लिया चैनल, और अभी निकलते हैं आगे। अभी हमने जाना है पिंटे अंकल के पास,
जो हमारे मेन डीलर हैं सीमेंट के, उनको मैंने थोड़ी कैश पकड़ानी है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मेन सांबा चौक से और काम जोरों शोरों, टूर का काम फुल फ्लैज पे है। सांबा वालों को अब एक साल तो दिक्कत झेलनी पड़ेगी, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि मैं 4x4 गाड़ी का प्लान कर रहा हूँ, बट सिचुएशन कुछ है ऐसी आ जाती है कि हर बार प्लान फ्लॉप हो रहा है। कहते हैं चलती का नाम है जिंदगी, तो कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए अपने, तो काम करते जाना है और जो अपने एम बनाए हुए बंदे ने उसको अचीव करने के लिए पूरा दम लगाना है, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बंदे को। तो अंकल को पैसे पकड़ा के आ गया हूँ मैं वापस, तो अभी निकलते हैं घर, नी वाली में भी भरवा लेते हैं अभी। भाई साहब पैसे जाते देखना तो मन में ऐसे होता है कुछ, बट गाड़ियाँ बंदा रख तो लेता है मगर इनके खर्चे ना बंदे को तोड़ के रख देते हैं। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं फिर आपसे, बाय बाय।